नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब सर्विस, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली हैं। ठीक है जी, अब कौन सी पोस्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले फॉर्म पोस्ट शुरू करने से पहले आपके साथ एक चीज़ जरूर शेयर करेंगे। आपके लिए ये एग्जाम जॉब अलर्ट डॉट कॉम वेबसाइट आपके लिए लाइव कर दी गई है। आज के बाद सारी की सारी मोस्टली पोस्टें आपको ऑल जॉब में देखने को मिल जाएंगी, रिजल्ट में रिजल्ट, एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड, सिलेबस में सिलेबस, आंसर की में आंसर की, और इसमें वीडियोस का प्लस में ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी जो जो वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दी है, जो जो डिस्प्ले हो रही हैं, सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ पर सीरियल वाइज में देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से वीडियो भी प्ले कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर क्लिक है तो व्यू पर क्लिक करना है, सीधे यूट्यूब पर आप रिडायरेक्टरी हो जाओगे। रिडायरेक्ट होते ही यूट्यूब पर सारी की सारी वीडियो आप चेक कर पाओगे कि इस पोस्ट के लिए क्या कुछ मांगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करवाना चाहे तो व्हाट्सएप पर हमें ये कंसर्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन एनुअली आप मेंबरशिप लेना चाहते हो, वो उसके चार्जेस एक से ही रहेंगे और आपका नेक्स्ट टाइम पे फॉर्म का फिलअप करने का कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करवाता है, फॉर्म के साथ आपके चार्जेस लगेंगे लगेंगे, चाहे आप एक बार करवाएं चाहे 10 बार। ठीक है जी, एक बार आपको डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करवाने होंगे, वो भी मेल के थ्रू, और मेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेल भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी, कौन सी पोस्ट आई है सबसे पहले, और यहाँ पर देख सकते हो पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड PSSSB वीडियो ग्राम सेवक रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 4/2022 एडवर्टाइज नंबर है जी। ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं, लिंक एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जिसका लिंक एक्टिव होगा, प्रॉपर वर्क करेगा, उसी की ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इस पर आपने क्लिक करना है जी। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल गई है। पोस्ट कौन सी है जी, ये पंजाब की पोस्ट है। ठीक है, डिपार्टमेंट पंजाब का है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है, कहाँ की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, 12वीं मांगी हुई है या फिर आपकी डिग्री मांगी हुई है। इसमें पोस्टें बहुत हैं जी, 792 पोस्टें। कितनी जी, 792 पोस्टें बहुत हैं जी। ठीक है, इसमें आपकी एक स्किल मांगी हुई है। स्किल क्या मांगी है, स्किल का ही एक्सपीरियंस है। स्किल क्या मांगी है जी, एक साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और पंजाब में अप्लाई करने के टाइम आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन रखनी है, 10वीं के साथ आपने 10वीं में पंजाबी सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ हो, यानी कि आपको 10वीं में एक सब्जेक्ट पंजाबी का होना कंपलसरी है। अगर आपका 10वीं में पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है तो आप पंजाब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है जी, मेन चीज़ आपको बता दी है, आपकी स्किल एक साल का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक साल का, और उसके बाद आपकी सैलरी की बात करें, क्योंकि ये पोर्टल में आपको यही बेनिफिट मिलेगा, साथ में सारी चीज़ें भी आपको मेंशन कर दी जाएंगी। यहाँ पर जॉब ओवरव्यू में बात कर लेते हैं, तो आपको 19,000 से लेकर 19,900 तक पे स्केल मिलेगा जी। आपकी जॉब लोकेशन जो पंजाब में रहने वाली है, ठीक है, आपका जॉब फुल टाइम है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया होगा। ठीक है जी, आपको नोटिफिकेशन पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारा सहयोग दोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लियर विजन में आपको मेन मेन पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये फॉर्म कब से शुरू है जी, 15 मई से शुरू हो चुके हैं, 27 जून लास्ट डेट है, बट लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। जिन्होंने फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। और इसमें एक चीज़ और बताएं, जो कैंडिडेट पंजाब स्टार सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म फिलअप हमसे करवाना चाहें, वो एक तो मेंबरशिप भी पे कर सकते हैं, जो कि आपकी मेंबरशिप 1 ईयर के लिए एक बार लगेगी। वो कितनी रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा, उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अगर मेंबरशिप लेना चाहो तो। नेक्स्ट टाइम से जब भी फॉर्म फिलअप करवाओगे तो आपका कोई ओवर चार्जेस नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते हो
आई बार जितनी बार चाहे कोई कहता है जी मैं 10 बार करवाता हूँ, आपको उसका फॉर्म फिलिंग का चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसमें ये हमारी कंडीशन प्लस में रहेगी, 99% आपकी फीस रिफंडेबल होगी, जो फॉर्म की फीस होगी और ऊपर जो भरवाई है यानी कि जो फॉर्म फिलअप करने में जो हमारे डिपार्टमेंट को टाइम लगता है उसका जो मेहनत रहेगी वो आपकी छोड़कर, बाकी फॉर्म की फीस जो है जैसे चाहे 1,000 रुपये है चाहे 250 रुपये, वो सारी की सारी आपकी रिफंडेबल रहेगी। ये पॉलिसी आपके लिए बहुत बेटर लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपने अप्लाई करवाना है तो व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पर क्लिक करते ही आप हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज के बाद आपने सिर्फ इसका पूरे का पूरा डिटेल हमें सेंड करनी है, व्हाट्सएप करके इसको कॉपी करना है, कॉपी करके व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप करके आपको इन्हें लिखना है जी फॉर्म फिलिंग भी हमने फॉर्म फिलअप करवाना है, और उसमें आपको फीस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो आपकी फीस वो आपने फीस पेमेंट ऑनलाइन करनी है। SC ST की 250 रुपये फीस है, जनरल की और ज़्यादा, वो भी बात डिटेल में करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 साल एज लिमिट मांगी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल की 1,000 रुपये फीस है। SC BC इकोनॉमिक वीकर सेशन जो कि पंजाब की हैं 250 रुपये फीस है। एक्स सर्विसमैन की 200 रुपये फीस है। PH दिव्यांग की 500 रुपये फीस रहने वाली है जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बार कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल। इसमें देख सकते हो विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर और ग्राम सेवक की पोस्टें हैं, 12वीं मांगी हुई है, और सेकंड क्लास से आपकी सेकंड डिवीजन से 12वीं पास होनी कंपलसरी है, या फिर ग्रेजुएशन प्लस में 1 साल का आपका ये 12वीं हो या ग्रेजुएशन, दोनों में से एक चीज़ जरूरी है, और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना भी जरूरी है। 792 पोस्टें जी, कितनी है जी 792 पोस्टें, 18 से 37 साल एज, 1 जनवरी 2022 तक मांगी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। ये सारे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और इसी में आपको पोर्टल में मैंने जो आपसे वादा किया है भी आपको हाइलाइट्स मिलेंगी, ये देख सकते हो, ये हाइलाइट्स बहुत बेनिफिशियल ही है आपके लिए। आपको पूरा PDF रीड करना पड़ता तो जाके कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, यहाँ पर सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके लिए, ये नंबर हैं आपको दे दे, ठीक है जी, 0172-22-98,000, ठीक है। ये जो 8,000 है, 8,000 से एक्सटेंशन लगाकर इन्होंने 5103 नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए, और आप सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कंसल्ट कर सकते हो, और ये मेल की हेल्प डेस्क है, इस पे आप हेल्प ले सकते हो मेल आईडी पर, ठीक है जी, मेल करके। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन ये लिंक अभी एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस चल रही है, जैसे वेबसाइट प्रॉपर वे में हो जाएगी, क्योंकि एक दो कमीज हैं वो एडिशन हो रहे हैं, जैसे ही एडिशन हो जाएंगे आपको ये यहाँ पर लिंक देने की बजाय यहाँ पर ही मेंशन हो जाएंगे, आप क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पर ऐसे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे कॉपी पेस्ट करना चाहे। अब बात करते हैं, सीधा लिंक पर क्लिक करना है, ऑफिशियली वेबसाइट खुल ओपन हो जाएगी सेम है जी, ठीक है। और उसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्लिक ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें सारी की सारी आपको विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर की पोस्टें मिल जाएंगी। यही चीज़ बताई है जी आपको, 19,900 आपका पे स्केल रहने वाला है, 12वीं मांगी हुई है, सेकंड डिवीज़न जरूरी होनी चाहिए, 10वीं में पंजाबी होनी जरूरी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स, यानी कि PDF तो आपको पढ़ने की दिक्कत आने ही नहीं देंगे, इतनी नौबत नहीं आने देंगी, ठीक है। आने वाले टाइम में ये भी सारी कैटेगरी वाइज सारी पोस्टें की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज है, और कैटेगरी वाइज ये कोड आपको अप्लाई करने के लिए बहुत बेनिफिशली रहेंगे, ठीक है जी। अगर आप जनरल से हो तो 101 कोड है, इकोनॉमिक वीकर सेशन जनरल से हो 102 है, इस हिसाब से कौन सी कास्ट से हो उस कास्ट के हिसाब से आप कोड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और एज की लिमिट भी आपको इसमें बता दी गई है, और 18 से 37 साल मैक्सिमम होनी जरूरी है एज लिमिट। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको प्रॉपर बता दिया है, ठीक है। इसी तरह अप्लाई का लिंक भी डिटेल बता दिया है, और इसमें डाउन में आके बिल्कुल आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर मिल गया, हेल्प डेस्क मेल आईडी मिल गई है, ये आपको ऑलरेडी मैंने इसमें हाईलाइट कर
कर दी है ताकि आपको नोटिफिकेशन तक तो आने की जरूरत ना ही पड़े। ये सारी हाइलाइट्स है, नंबर आपको एक वेब पोर्टल पे जो आपसे वादा किया है इतने दिनों का, महीना एक, तो वो सारे के सारे मेन मेन हाइलाइट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। अब बात करें जी अप्लाई करना तो कैसे करना है। अप्लाई पर क्लिक करना है जी, सिंपली ये इंस्ट्रक्शंस आपको सारी की सारी देखने को मिल गई है। 15 मई से 27 जून लास्ट डेट है जी, ठीक है। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर सिंपली क्लिक करना है। ओके किया, ओके करते ही यहाँ पर आपने सारी की सारी डिटेल मेंशन करनी है। जो जो कैंडिडेट जिस जिस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर कैटेगरी फिलअप करनी है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सब कुछ आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर अपने कहीं पर एक्स सर्विस मैन हो या नहीं हो वो सारी डिटेल, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, यहाँ पर मैं अगर एड्रेस परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेम है तो सेम पर रहने दीजिए। एजुकेशन अपनी पूरी 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है। इज योर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन पंजाबी, यूनिवर्सिटी पंजाबी से है तो ठीक है, नहीं है तो ग्रेजुएशन में पंजाबी नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका नेम, सन ऑफ आपके फादर का नेम, और सेव पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने और पेमेंट करनी है। कोई कैंडिडेट अप्लाई करवाना चाहे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो फीस है, ये जो फीस है इसके साथ, अगर तो आप 1 ईयर की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो उसके 1000 के नियर अबाउट चार्जेस रहेंगे, जो कि आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फीस से प्लस में जो फॉर्म फिलिंग का चार्जेस है वो ही पे करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए जो जनरल के कैंडिडेट हैं 1000 रुपये फीस है तो वो कैंडिडेट को 1100 पेएबल रहेगी, ठीक है। अगर फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो 1000 रुपये आपकी रिफंडेबल रहेगी। अगर एससी बीसी और इकोनॉमिक वीकर सेशन से और 250 है फीस आपकी तो आपको पेएबल 350-350 रहेगी, क्योंकि तो आपकी फॉर्म फिलिंग के चार्जेस अलग से रहेंगे, ठीक है। अगर कोई मेंबरशिप लेता है तो उसका फॉर्म फिलिंग का कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, उसने सिर्फ ये जो आपकी गवर्नमेंट फीस है सिर्फ यही पे करनी होगी, चाहे आप एक फॉर्म भरवाओ, चाहे 15 फॉर्म भरवाओ, चाहे 20 भरवाओ, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं पर्सनली मेल आईडी पर सेंड करने हैं जी, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं करने, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल आईडी पर आपको जो मैंने फॉर्मेट बता दिया है, 150 DPI पर फोटो, 150 DPI पर सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट 150 DPI पर स्कैन हुए होने चाहिए, और आपके फोटो जो डॉक्यूमेंट है 1 MB से ज़्यादा, 1-1.5 MB तक होने चाहिए, और जो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर हैं वो आपके 100 KB तक चल जाएंगे, 100 KB तक फ़ोटो और सिग्नेचर आपके होने चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट जैसे जैसे कोई भी और पोस्ट भरवाओगे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी आप पे मांग ले जाएंगे, बट सेंड आपने मेल के थ्रू करने हैं जी, क्योंकि मेल में फिक्सल डाउन नहीं होता, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, इस चैनल पर लाइव रहिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो भी कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 ईयर की मेंबरशिप रहेगी आपकी, फॉर्म जितने मर्जी फिलअप करवाओ। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हो, डेली जैसे ही फॉर्म कोई फिलअप करवाना है तो वो भी आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।